प्रयागराज के अटाला पर आज दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकान से सामान हटाना शुरू कर दिया। वहां के दुकानदारों को अब यह खौफ सताने लगा है कि प्रशासन का बुलडोजर कभी भी उनकी दुकानों को ध्वस्त कर सकता है। इसी डर की वजह से आज अटाले के दुकानदारों ने खुद ही मजदूर लगाकर अपनी दुकानों के सामने से कब्जा हटाना शुरू कर दिया और अतिक्रमण करके बनाए गए सेट को खुद ही तुड़वा दिया। तो ये जो यहाँ के सम्मानित नागरिक थे वो प्रशासन के साथ खड़े थे, लेकिन बाहर के इतने ज़्यादा उपद्रव आ गए जिससे वजह से प्रशासन और हम लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, जिससे थोड़ा अप्रिय घटना को अंजाम दे के चले गए। वो टोटल 99% बाहर के आए हुए लोग थे, जिसमें अटाला के सम्मानित नागरिक प्लस मैं प्रशासन के साथ हम सब खड़े रहे सहयोग में, और उसमें जो होना था वो तो सब आप लोग के सामने ही है। वो बाकी जो है इस तरह के लोग उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, प्रशासन की तरफ से रहते थे तो हाँ, कुछ लोगों क्या घर छोड़ के भी चले गए थे? जो जरूर उस भीड़ में इनमाल होंगे, जो इस किस्म का होगा उसके दिल में खौफ डर होगा, वो गया है तो इसी तरह से तो वो चिन्हित होंगे। हाँ? कई कई घरों में ताले भी नहीं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि जो लोग इस भीड़ तंत्र का हिस्सा अगर हमारे अटाले से बने हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ मैं प्रशासन से कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में जब उनके महल्ले में कोई तरह का प्रोग्राम हो तो वो खुद उनके विरोध में खड़े हो जाए, जैसे ये दिन देखना ना पड़े। प्रयागराज में हुए दंगे के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ पंप की बेटी और वकील के राय ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। जावेद की बेटी का कहना है कि ये मकान उनकी मां के नाम पर था और हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी उनकी मां के नाम पर जाता था। उसके बाद भी उनके घर को जावेद के नाम बताकर गिरा दिया गया, इसलिए अब कोर्ट से उनको इंसाफ की उम्मीद है। मतलब शाम में रात में नोटिस दी घर के बाहर, जो पेपर चिपकाया वो रात में चिपकाया, और सवेरे 12 घंटे के अंदर ही अंदर पूरा घर हमारा तोड़ देते हैं। हमें खुद को नहीं पता चल पाता है कि इतने जल्दी कैसे सब कुछ हो गया, क्योंकि हम खुद डिटेन्ड थे। जितनी देर में हमें उसी दिन जिस दिन हमारा घर टूटा है संडे के दिन सवेरे 9 बजे वो छोड़ते हैं, हम घर पहुँच पाते हैं। 30 घंटे डिटेन्ड रहने के बाद जब हम घर पहुँचते हैं, जब हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था उस वक्त, बस जब थोड़ा होश में आ पाए उस वक्त जो हमने पहली चीज़ देखी थी वो अपने घर को टूटते हुए गिरते हुए देखा था। और हमें उसी वक्त पता चलता है कि हमारे फादर को पूरी जो हुआ है उसका मास्टरमाइंड बना दिया गया है, जो कि हम खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे फादर को मास्टरमाइंड बना दिया गया है, जब वो पोस्ट ऐसे डाल रहे हैं जो पीस की हो और उनके खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे थे जो खुद को यकीन नहीं हो पा रही थी कि ये लोग इस तरह झूठ कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो मकान था ये किसके नाम से था और कब किसको? ये मकान मेरी मदर के नाम पे था। हम लोग जो हाउस टैक्स वाटर टैक्स हर चीज़ जो पे करते थे वो भी अम्मी के नाम पे आता था, परवीन फातिमा के नाम पे। वो है भी हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल सिटीजन्स थे जो हर चीज़ का बिल पे करते थे। और हम लोग के घर पे रात में अब्बू के नाम पे नोटिस आती है, घर अम्मी का था, रात में आती है। इन्होंने कोशिश तक नहीं करी कि एक बार पता कर लें कि घर है किसके नाम पे, और इन्होंने मतलब ये खुद जांच कर ही नहीं पाए, और इनको इतना सब कुछ जल्दी से करना था कि इनकी खुद ही इतनी नाकामी रही है जो सबके सामने आ रही है।